पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नलियाकोट में पेश किया गया। फिर क्या हुआ? अब कोर्ट में कब होगी अगली सुनवाई? आइए जानते हैं अंदर की बात में। पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कच्छ की नलियाकोट में पेश किया गया। कोर्ट ने लॉरेंस को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मांगने अलग अलग प्रकार की थी, एमा 14 दिवस ना फरी पाछा रिमांड की मांगनी करेली। एमा कोर्टे अमारी दलील ग्राह्य राखी अने 4 दिवस ना रिमांड रजू कराया छे, मंजूर कराया छे अने ए 28 तारीख ना फरी पाछो एमने कोर्ट समक्ष रजू करवामां आवशे। जानकारी के मुताबिक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 4 दिन के रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। लॉरेंस बिश्नोई को 200 करोड़ के ड्रग मामले में गुजरात एटीएस तिहाड़ जेल से गुजरात लाई थी। लॉरेंस को कड़ी पुलिस मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था के साथ अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाने के मामले में नलियाकोट ने लॉरेंस की 4 दिन की रिमांड मंजूर की है। 2022 एटीएस और कोस्ट गार्ड ने जखौ समुद्र में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से आ रही अल्तव्यास्या नाव से 200 करोड़ रुपए की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई को नलियाकोट में पेश किया गया था। हाल ही में गुजरात एटीएस टीम ने जखौ समुद्र से एक पाकिस्तानी नाव से लगभग 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की थी और मोहम्मद शफी, इमरान, मोहसिन, जहूर, सोहेल और कामरान को गिरफ्तार किया था। यह भी खुलासा हुआ कि ये ड्रग्स लॉरेंस बिश्नोई ने मंगवाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।